नमस्कार फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय युवा मोर्चा, उन्होंने एक विधेयक को लेकर शहर में काफी विरोध प्रदर्शन किया। पूरे झारखंड राज्य में विरोध प्रदर्शन का उन्होंने एक वानगी पेश की और उन्होंने वो विधेयक का जो नाम लिया झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023, जिसमें उनका कहना है कि इसमें अगर सरकार पर कोई भी क्वेश्चन उठाता है तो इस विधेयक के तहत बिना किसी इंक्वायरी के FIR दर्ज हो जाएगी और उनको सजा मिलेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में, इंडिया टीवी ऑनलाइन इसको तस्दीक नहीं करती। ये जांच का विषय है, समझने और स्वतंत्र रूप से जानने का विषय है। लेकिन जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोगों ने, नेताओं ने जो अपना विरोध प्रदर्शन किया, आइए देखते हैं। देखिए, जारी है इसी जमशेदपुर की धरती में शहीद निर्मल महतो जी के समाधि स्थल के समक्ष उन्होंने युवा को वादा किया था कि आप मेरी सरकार बना दो, मैं प्रति वर्ष 5 लाख युवा को रोजगार दूंगा। सरकार बने 4 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन एक भी युवा भाई को इन्होंने रोजगार देने का काम नहीं किया। और इन्होंने वादा किया था जब तक रोजगार नहीं दूंगा तब तक बेरोजगारी भत्ता दूंगा, लेकिन लाठी और गोली के बल के ये सरकार युवाओं की आवाज को दबाना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता युवा मोर्चा ये मसाल की आग तब तक ठंडा नहीं होने देगा जब तक इस सरकार को उखाड़ फेंकने देते हैं। इसके साथ उन्होंने इसमें एक बात और जोड़ा है कि जो हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी जो सीटेट पास कर चुके हैं उनको सहायक आचार्य की परीक्षाएं बैठने का अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। एक तरफ नौकरियां नहीं है, एक तरफ आपने 2016 से झारखंड में जेटेट का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन अपने मेधा के दम पे हमारे झारखंड का नौजवान, हमारे झारखंड का आदिवासी भाई सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करता है। इसी आश्रय पे करता है कि एक दिन उसके राज्य में सहायक शिक्षक की नौकरी निकलेगी, हम उस पे क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हेमंत सोरेन सरकार सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाना जानती है, आदिवासियों के नाम पे वोट बैंक वोट देना चाहती है, लेकिन आदिवासियों की हित ऐसी कभी नहीं हुए। और कल की घटना एक झारखंड विधानसभा में एक काला दिवस के रूप में सामने आया है। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा विधेयक 2023 में स्पष्ट चीख चीख के लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति झारखंड सरकार के नियत पे शक करेगा, हेमंत सोरेन के सरकार के नियत पे शक करेगा, तो बिना जांच किए उसके ऊपर FIR होगा और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके 10 साल के लिए जेल में भेज दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से हेमंत सोरेन को बताना चाहता हूँ, माननीय हेमंत सोरेन जी, ये सत्ता बहुत लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। जिस युवा के दम पे आप सत्ता पाए हैं, यही युवा आपको कान पकड़ के सत्ता से पृथक कर देगा, आपको किसी भाई नहीं छोड़ेगा। सारे युवा मोर्चा के लोगों की मांग है, जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, जब तक सीटेट पास झारखंडी मूलवासी आदिवासी भाइयों बहनों को सहायक एग्जाम में बैठने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक हमारा ये आंदोलन जारी रहेगा। सीटेट पास झारखंडी अभ्यर्थियों को भी सहायक शिक्षक एग्जाम में बैठने का मौका दो, मौका दो, मौका दो। प्रतियोगी परीक्षा 2023 वापस लो, वापस लो, वापस लो। प्रतियोगी परीक्षा 2023 वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। हे हेमंत सोरेन तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हे हेमंत तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं। भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विनोद राय, साथ में उपस्थित हमारे अभिषेक आचार्य, जिला सरेकला खरसवां के जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा, आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के तरफ से जमशेदपुर महानगर में आप देख सकते हैं काफी युवाओं की तादाद यहां पर पड़ी है। और ये
जमशेदपुर महानगर युवा मोर्चा के टीम के साथ मुख्य अतिथि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष किशले तिवारी जी भी उपस्थित थे। बड़ी एक तादाद के साथ वर्तमान सरकार जो है हेमंत सोरेन की जो सरकारें हैं ये झारखंड की युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अभी तक जो स्थिति हम सबको पता हुआ है कि झारखंड के इतिहास में ऐसा दुर्गति कभी नहीं आया था जो हेमंत सोरेन की इस काल में आया। आप सबको भी पता है 21,001 शिक्षकों की नियुक्ति के प्रकरण अभी सामने आई है, लेकिन ये पता नहीं चल रहा है कि वो नियुक्ति झारखंड के स्थानीय निवासी युवाओं के लिए है कि बाहर के लिए। 40-60 क्या नियम है वो भी पता नहीं चल रहा है। वो वास्तविक झारखंड के युवाओं के लिए है कि बाहरी लोगों को है ये अभी तक पता नहीं चला है। ये मनमाने ढंग तरीके से झारखंड की सरकार हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड के स्थानीय युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम किया है। इसी को देखते हुए आज जमशेदपुर महानगर में हम सभी यूथ मिलकर मशाल जुलूस का कार्यक्रम किए और झारखंड सरकार को आंख दिखाने के लिए काम किए, उसके आंखों को खोलने का काम किया। अगर आप झारखंड के स्थानीय युवाओं के लिए आप खिलवाड़ करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता युवा मोर्चा का टीम आपको छोड़ने का काम नहीं करेंगे। सड़क से लेकर स्वतंत्र आंदोलन करेंगे। यहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए काम करना होगा। यहाँ के बेरोजगार युवाएं हैं, सी टेट पास करके सड़कों में बोल रहे यहाँ की युवाएं, उनको शिक्षक नियुक्ति में शामिल किया जाए, लेकिन आप उसको भी शामिल नहीं करें। इसी को लेकर आप महासम्मेलन के साथ हम लोग आज पूरे मशाल जुलूस के साथ पूरे जमशेदपुर महानगर साक्षी गोल चक्कर में हम लोग ये आंदोलन का शुरुआत किए। ये एक शुरुआत है, आने वाले समय में अगर प्रदेश व सभी सम्मानित जिला पदाधिकारीगण आज सारे लोग इस सरकार के विरोध में आए और अपना समय दिया और अपना विचार रखा कि सरकार कैसे युवाओं को कुचलने पे लगी है। सारे लोग आए उसके लिए मैं चंदन चौबे, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर और तमाम अपने जमशेदपुर के जिलाधिकारी के तरफ से सारे लोगों को धन्यवाद देता हूं। नमस्कार फ्रेंड्स, आपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवाओं को नेताओं को सुना होगा। उन्होंने अपने विरोध प्रदर्शन में बहुत ऐसी बातें कही जिससे लगता है कि यहाँ राज्य के युवाओं के रोजगार के ऊपर गंभीर सरकार नहीं है, लेकिन किसी भी सरकार को संतुलित और सामान्य और अच्छे रूप से चलने के लिए उनको युवाओं के रोजगार और भविष्य को ध्यान में रखना आवश्यक है। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा।